नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक ब्लूज। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं निशिका के तरफ से आने वाला स्मार्ट बल्ब, जो कि बहुत ही बढ़िया है और ये MI के LED बल्ब की तरह ही है, लेकिन ये बहुत सस्ता है। विप्रो की तरह ये उसी बजट में आ जाता है, अराउंड 550 रुपीज़ में। तो ये बहुत ही अच्छा बल्ब है। मैं आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसका पूरा रिव्यू और सेटअप कैसे करते हैं वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। और इससे पहले बिग शाउट आउट टू पुश ब्राइड अमेज़न सेलर, जिन्होंने मुझे ये रिव्यू करने के लिए भेजा है, और आपको उनके स्टोर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उन्हीं का ही ये निशिका का बल्ब, वो खुद ऐसे मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनके स्टोर की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उससे पहले हम इसके जानेंगे बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ निशिका, जो कि ब्रांडिंग है। यहाँ पर स्मार्ट LED बल्ब, यहाँ पर बात करें तो इसमें आपको 16 मिलियन कलर्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सेट कोई भी, Xiaomi की तरह इसमें भी 16 मिलियन कलर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 806 ल्यूमेंस पर ये बेस्ड है, यानी इसके अंदर आपको 806 ल्यूमेंस देखने को मिल जाएंगे। और इनका एक ऑफिशियल ऐप आता है जिससे ये कंट्रोल होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे सेटअप होता है। तो उसका ये QR कोड है, यहाँ से आप डाउनलोड जाके कर सकते हैं। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर पहले स्टेप्स, डाउनलोड द स्मार्ट ऐप, स्क्रू इन स्मार्ट LED बल्ब लाइक एनी अदर बल्ब, ये सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नीचे देखेंगे तो यहाँ 16 मिलियन कलर्स, वॉइस यानी ये अमेज़ॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से भी कंट्रोल हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। आगे बात करें ड्रीमिंग की, तो आप इसमें आपको ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं जो भी, और टाइमर भी आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस साइड की बात करें तो यहाँ पर इसकी और डिटेल्स, जैसे 240 वाट पर बेस्ड है और B22 होल्डर के साथ आता है, यानी आप डायरेक्टली प्लग इन भी कर सकते हैं इसको। 9 वाट पर बेस्ड है, वो सब देखने को मिल जाता है। 180 डिग्री, RGB यानी बहुत सारे कलर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, ये तो हमारे काम का नहीं। डिमिंग यानी ब्राइटनेस आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 806 ल्यूमेंस तो मैंने आपको बता दी, और नीचे की तरफ और स्पेसिफिकेशंस आती है, जैसे मॉडल नंबर, LED वायरलेस लाइटिंग 9 वोट, ये भी बता दिया, और एंड्रॉयड और iOS दोनों से ये कंट्रोल हो जाता है। डिम कर सकते हैं हम 5 से 100% की रेंज में। 16 मिलियन कलर्स भी मैंने आपको बता दिए, और 6500 के ये तो पता नहीं क्या है। नीचे की तरफ देखें तो Wi-Fi वायरलेस रिमोट कंट्रोल, और साइज़ इसकी 60x118 mm देखने को मिल जाती है, Wi-Fi से भी कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ पर ROHS ये ब्रांडिंग है, उस पर बेस्ड होगा। यहाँ पर बारकोड देखने को मिल जाता है आपको, ऊपर निशिका JBT आपको देखने को मिल जाती है ब्रांडिंग कंपनी की। नीचे स्मार्ट LED बल्ब, मल्टी कलर स्मार्ट बल्ब देखने को मिल जाता है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ फोकस करके, जैसे मैन्युफैक्चर नेम निशिका, कस्टमर केयर नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। साथ में mail ID देखने को मिल जाती है, और इसमें दोस्तों 6 महीने की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी। और आगे यहाँ पर मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर वो सब लिखा होगा। 1500 की इसकी प्राइस है, लेकिन आपको 550 में मिल रहा है, तो बहुत ही सस्ता है मेरे हिसाब से। तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बाय कर सकते हैं। तो अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो ऐसी टाइप में आता है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिया गया है आपको, इसको साइड में रख देते हैं। और आगे बात करें, यहाँ पर नीचे से भी प्रोटेक्ट किया हुआ था, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, कोई डैमेज नहीं हो सकता, इसलिए बराबर है, ये तो सही बात है। साथ में यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिल जाता है, जो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज़रूरी भी है, अगर नहीं तो मैं आपको वीडियो में बता भी दूंगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। अगर आप इसको रख देते साइड में और कुछ देखने को, तो ये बल्ब देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इस पर देखते हैं निशिका लिखा हुआ है, और मैं अभी आपको इसका सेटअप बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर दोस्तों हमने बल्ब को बोर्ड में अंदर प्लग इन कर दिया, आप देख सकते हैं ये चालू हो जाता है। तो अब इसको अभी हाल फिलहाल बंद कर लेते हैं, और अभी हमको इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम निशिका। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पर तो इसको ओपन करते ही आपको ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा,
फिर ये आगे बढ़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप न्यू यूज़र हैं तो, और ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको एग्री करके यहाँ पर मोबाइल से आपको रजिस्टर कर देना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आप भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद। वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी बहुत ईजी है, ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर कर देना है, उसके ऐड न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लाइटिंग में जाने का और लाइटिंग वाईफाई में जाने का, लाइट इज़ ब्लिंकिंग ये आप देख सकते हैं, कंफर्म इंडिकेटर रैपिडली ब्लिंक यहाँ पर क्लिक करेंगे। और इसमें आपको वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत होगी, तो आपको अगर मॉडम है घर पे तो आप इजी रहेगा, लेकिन अगर आपको मेरे तरह नहीं है तो आप हॉटस्पॉट कर सकते हैं कनेक्ट, तो मैंने भी कर लिया है, आप देख सकते हैं एक वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। लोकेशन इसको ऑन दे देता हूँ, यहाँ पर अब अलो कर देते हैं, और यहाँ पर ये वाईफाई है कन्फर्म कर देने का, टैग ब्लूस कनेक्ट कर देने का, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट होते ही कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ से आप पूरा इसका कंट्रोल सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक लाइट बंद करके दिखा देता हूँ अच्छी तरह से, लाइट ऑफ हो चुकी है। और अभी इसमें पहले कंट्रोल्स की बात करें, ये ब्राइटनेस यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप इधर, यहाँ से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ कितना पड़ा है वो देख सकते हैं। आगे मेन फीचर की बात करें तो यहाँ पर कलर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर्स में जाएंगे, यहाँ पर रेड करेंगे, ये रेड हो चुका है, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, बहुत सारे कलर्स आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप ब्राइटनेस इसकी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर ये यहाँ से आप भी सेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कलर्स हैं, 16 मिलियन कलर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अब मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ये रहा रेड, और ये यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो सकती है। और आगे बात करें सीन्स में, आप बहुत सारे सीन्स कर सकते हैं, जैसे नाइट, रीड मोड, वर्किंग मोड, लेजर मोड, सॉफ्ट मोड, कलरफुल मोड, ड्रिजलिंग मोड, गॉर्जियस मोड, बहुत बढ़िया बल्ब है, आप बहुत सारे सीन्स इसमें कर सकते हैं जाके। और आपको कलर्स की मेन इंपॉर्टेंस दिखा देता हूँ, यहाँ पर लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट स्लो चल रहा है इसलिए। यहाँ पर आप जाएंगे कलर्स में, जा भाई हाँ लोड हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में पिंक, रेड, येलो, बहुत बढ़िया बात है। साथ में यहाँ पर आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं अपनी जाके, और ये एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से भी वर्क करेगा, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ से आप फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ये डिवाइस को शेयर कर सकते हैं कि कौन कौन कनेक्ट करेगा सिक्योरिटी के लिए, और ये यहाँ से भी डिवाइस को शेयर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑफलाइन आप पाना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, चेक फॉर फर्मवेयर अपडेट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना चलेगा नहीं डिवाइस। और यहाँ से आप डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं, फिर से बैक चले तो यहाँ आप देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया डिवाइस है, लिंक आपको उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप परचेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अब आपको MI LED बल्ब के लिए इतने पैसे खरीदने नहीं पड़ेंगे, आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है, और आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं यहाँ से जाके, नो टाइमर डेटा ऐड कर सकते हैं, ऐड ये टाइम सेट कर सकते हैं, मैं अभी तो नहीं करूँगा, फिर यहाँ से बंद कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया डिवाइस है, यहाँ पर बैक कर देंगे। और यहाँ पर ऐप में आप अपनी सारी डिटेल्स डाल दीजिएगा, जैसे फैमिली मैनेजमेंट, आपका रूम का लोकेशन सब डाल दीजिएगा, मैंने अभी तक नहीं डाला है। तो बस यही था इस वीडियो में, बल्ब अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और बहुत बढ़िया बल्ब है मेरे हिसाब से तो, क्या लग रहा है रेड कलर, बहुत बढ़िया।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर। गुड बाय।